हेलो फ्रेंड, जय द्वारका दीश। फिर से स्वागत है मेरे चैनल काजल्स किचन एंड ब्लॉग्स में। आज हम बनाएंगे बीटरूट मिल्क शेक का नया रेसिपी, वो भी एक अलग तरीके से। चलिए फ्रेंड, अब मैं बनाऊंगी बीटरूट मिल्क शेक की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज बीटरूट को छिलके निकाल कर अच्छे से मीडियम साइज में काट लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मिक्सर का जार, इसमें मैं ये बीटरूट ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 स्पून जितनी शुगर ले ली है, जिसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब बारीक कटा हुआ 2 चम्मच बादाम ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास फुल क्रीम मिल्क ऐड करूंगी। हाँ तो गाइस, मैंने सभी चीज़ें अच्छे से ऐड कर दी है। अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। अब ये मिक्सर अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब इस मिक्सर को ठंडा करने के लिए मैं 2 आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ। और वेनिला आइसक्रीम। अब फिर से इसे 2 सेकेंड के लिए ग्राइंड करूंगी। हमने इसमें आइस क्यूब और आइसक्रीम डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया हो गई है। अब हमारा 1/2 बचा हुआ फुल क्रीम मिल्क इसमें ऐड करती हूँ। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा बीटरूट मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा आइसक्रीम डालेंगे। अब इसे और अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ा सा बादाम डालेंगे इस तरह से। तो लग रहा है ना, बिल्कुल यम्मी यम्मी। तो बिल्कुल रेडी है बीटरूट मिल्क शेक। जनरली बीटरूट को डायरेक्टली आप खाना पसंद नहीं करोगे, तो इस तरह से आप मिल्क शेक बना के ले सकते हो और सलाद के रूप में खा सकते हो। लगातार इसको 1 महीने तक खाने से बीटरूट हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा देगा। तो आप ज़रूर बीटरूट का सेवन करें इस तरह से अलग अलग फॉर्म में। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।